नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि म कमलाकांत। प्रथम नजर पकाइनबा हेडलाइंस उपर। परलोकरे यूपीर पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 98 वर्ष बयस लखनऊ में चिकित्साधीन अवस्था देहांत। शोक व्यक्त कले प्रधानमंत्री गृहमंत्री समेत बहु विशिष्ट व्यक्ति। तीन दिन राजकीय शोक घोषणा कले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। आसंता शेषकृत्य। हकीगढ़ ओलंपिक्स हीरो को जबरदस्त स्वागत। देश गौरव आनी चारि ओडिया घर को फेरिले। जन्ममाटी सुंदरगढ़ में पारंपरिक ढंग से संवर्धना। देश गांप बड़ नाश आनी खुशी व्यक्त कले ग्रामवासी। आज पवित्र राखी पूर्णिमा सह बड़ ठाकुर जन्मोत्सव। श्रीमंदिर स्वतंत्र नीति निर्घंट। बड़ ठाकुर श्रीजगन्नाथ को राखी बांधिले भी विषय सेवायत द्वारा प्रस्तुत हो स्वतंत्र राखी। राजधानी कायम हलाउे डेंगू। 24 घंटे 52 जन डोंगी डेंगू रोगी चिन्हट। बस्ती परे कॉलोनी रे भी डेंगू डर। कोरोना परे डेंगू को नहीं बढ़ला चिंता। तालिबान प्रसंगे यूटर्न नेला यूके सरकार। कहिले तालिबान सह मिसी काम करने को प्रधानमंत्री टेरेस जॉनसन को घोषणा। तालिबान को स्वीकृति न देवा को किछि दिन तले घोषणा करथिले ब्रिटेन प्रधानमंत्री। टेरेस को यूटर्न को समालोचना कले निज दलर सांसद। पुलिस सुरक्षा मागिले भद्रक मिर्जापुर पुष्पाराणी को परिवार। कहिले एबे भी जड़े अभियुक्त को धरनी पुलिस। अभियुक्त संपर्क नहीं प्रश्न खरे भद्रक एसपी चरण सिंह मीना को। एसएफ सौम्य मृत्यु मामलें पुणी 3 घंटा धरी डीएफओ को क्राइम ब्रांच जेरा। कहिले कम ढोकिले बेसी दिव्यांग अनैतिक संपर्क को खंडन। सेपटे डीएफओ निलंबन सह सीबीआई तदंत दाबी कले सौम्य परिवार। आसंता 24 और 25 तारीख में प्रबल वर्षा संभावना। 19 जिला को येलो वार्निंग जारी कला आंचलिक पानीपा केन्द्र। जिलापा सतर्क रहा एसआरसी को परामर्श। एवं देखा संपूर्ण खबर। गतकाली जहा दुखद खबर आसला उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेपी वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह परलोक हो 98 वर्ष बयस देहांत हो कि सारा देश में शोकर छाया। लखनऊ स्थित हस्पिटाल देहांत होता से शेष निश्वास त्याग करते दीर्घ दिन धरी से चिकित्साधीन रही मृत्यु वर्तमान चारिड़े शोकर छाया खेली जा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विभिन्न दलर नेता राजनैतिक क्षेत्र एवं विभिन्न दलर नेता माने तांकु निजर शोक व्यक्त करिछंती। जदि देखा मुख उत्तर प्रदेश कथा देखा तेबे तांको क्यारियर उत्तर प्रदेश रे तांकर बहुत बड़ भूमिका थिला। दुई थर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री होइथिले। थरे राजस्थान रो राज्यपाल मध्ये होइथिले। जदि देखा 1992 डिसेंबर रे बाबरी मस्जिद भंगा जाइथिला तांको समय रे स्कूल ले पढ़ा समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक सदस्य होते 1967 से उत्तर प्रदेश अत्राउली आसन विधानसभा को निर्वाचित होते। परे भारतीय जनसंघ जनता पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और भाजपा से 9 थर विधानसभा को जाते। 1991 से यूपी मुख्यमंत्री होते। 1997 पुणी थे से मुख्यमंत्री होते। 1999 दल पदर हटावा सहित भाजपा छाड़ी निजस्व दल गढ़ते। 2004 कल्याण सिंह पुणी भाजपा को फेरी बुलंदसहर पार्लियामेंट्रु निर्वाचित होते। 2009 से दल छाड़ी एटाहर स्वाधीन प्रार्थी भाव लोकसभा निर्वाचित होते। 2014 भाजपा को फेरी राजस्थान रो राज्यपाल निजुक्त होते। तबे मृत्यु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री घोषणा कर राष्ट्रीय शोक पालन कर
कल्याण सिंह से ही नेता मध्यरु जणे जे कि राम मंदिर निर्माण पई सबुठारु बड़ स्वर भाव विवेचित होइथिले। प्रथम थर मुख्यमंत्री हेबा परे से अयोध्या जाए राम मंदिर निर्माण करिवार शपथ नहीं। कल्याण सिंह को राम जन्मभूमि आंदोलन जणे बड़ नेता भाव विवेचना करा जाउथिला। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी एवं लालकृष्ण आडवाणी पर बीजेपी तुंग नेता भाव गणना करा जाउथिला। 6 डिसेंबर 1992 अयोध्यार बाबरी मस्जिद ढांचा भंगा जाए बिवादीय स्थल में रामलला मूर्ति स्थापन करा मात्र करसेवक गुड़ चलवाक देनते कल्याण सिंह एपरिक से निज सरकार को पछे बलिदान देते हेले करसेवकों पर गुड़ चलवाक अनुमति देन 2020 राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीमकोर्ट ऐतिहासिक निष्पत्ति पर से खुशी व्यक्त कर 99 वर्ष बयस देहांत हो लखनऊ स्थित एसजीपीआई पीजीआई हस्पिटाल से शेष निश्वास त्याग करिसेंति। बीजेपी एक वर्षीय नेता दुई थर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री होते यापर से राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यपाल भाव दायित्व तुलाइले। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में से जड़े बड़ ना थे बड़ नेता थे बड़ भूमिका जो देहांत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विभिन्न दल नेता समस्ते दुख प्रकाश कर शोक व्यक्त करी। देखिबा दल को सोशल इंजीनियरिंग रो मंत्र से देथिले राम लहर द्वारा यूपी रे जेतोले बीजेपी आसथिला तो कल्याण सिंह ए बड़ भूमिका थिला एवं से मात्र 35 वर्ष बयस विधायक होते तो उत्तर प्रदेश राजनीति कहबानी भारतीय राजनीति में बहुत बड़ ना आज राम मंदिर कथा कहा जाए एथेरे मध्य तांकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला। पहले शहर में स्टेडियम में लोग दर्शन कर सकेंगे, फिर अतरौली में दर्शन कर सकेंगे और कल नरोरा बुलंदशहर में जो है क्रिमेशन होगा वहां पर जो है गंगा जी के किनारे। अभी सर ऐसे सुनते हैं कि होम मिनिस्टर भी आएंगे क्या? सभी लोग आ रहे हैं अभी, सभी वीआईपी, सभी वीआईपी आ रहे हैं अभी, आप देखिए सभी वीआईपी आ रहे हैं। तापना सुनते प्रतिक्रिया एमती प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समस्ते शोक व्यक्त करुछंती कारण ए छोटिया ना नथिला कल्याण सिंह केवल दलय भाव नथिले से राष्ट्रीय नेता थिले एवं विभिन्न दल पक्षर मध्य श्रद्धांजलि जणा जाउछि शोक व्यक्त करुछंती सबु नेता साधारण जनता मध्य 99 वर्ष बयस देहांत होइछि। जदि देखिबा यूपी रो पूर्वतन मुख्यमंत्री मध्य से थिले तबे राम मंदिर निर्माण रे मध्य तांकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण रही एवं से मूल जदि देखा 2012 विधानसभा चुनाव जितेबले होता से सफलता मिल ना 2013 कल्याण सिंह बीजेपी को पुणि थे फेरी थे तो केवल बीजेपी नुहे जननेता थिले पूरा भारत वर्तमान तांकर जो देहांत को लेकिन शोक व्यक्त करा जाउछि। तबे गृहमंत्री अमित शाह को रिएक्शन सुनिबा। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी से के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है, मैं भी उसमें से एक। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे,
और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। आपण सुनुले अमित शाह प्रतिक्रिया शुणुले तेरे अर्गस अपडेट आग को खबर रही तेज वर्तमान समय अच्छी गोटे छोट ब्रेक र ब्रेक पर स्वागत। आम आलोचना करूँ कल्याण सिंह को देहांत को लेकिन तो एवं गोटे नजर पकाइबा कल्याण सिंह गोटे पुराणा जो भाषण रही ताऊपर नजर पकाइबा जे समय से तांकर जो पुराणा वक्तव्यटी थिला तापर नजर पकाइबा तापर खबर को आगक नबा। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलो, किसी कमिश्नर को इंक्वायरी करना तो इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ चलो। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंडी देना हो तो किसी को न देगा तो मुझे तो अधिकारियों ने तो आदेशों का प्रपालन किया है और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृहमंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चंदार साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। निहत भाव में आप शुणुले पुणा वक्तव्य शुणुले जो थे से कहते जे बारंबार कहते जे से गुड़ चलवाक देवे ना यहाँ गोटे पुणा भाषण था जोबले आपने देखुले आर्तमान आप स्क्रीन देखिपार अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गृहमंत्री शोक व्यक्त करी राजनाथ सिंह कथ देखा तेज राजनाथ सिंह ट्विट कर जन कल्याण सिंह निधन तक दुख देछे एवं से तांकर बड़ भाई भली थिले। एभली निहाती भाव में भारतीय राजनीति रे एक बड़ शून्य स्थान तांकर जो वियोग रे एवं तबे सही पड़ी देखिबा जदि नितिन गडकरी को कथा देखिबा वरिष्ठ एवं आदरणीय कल्याण सिंह आम गहन रे नहांती एहाकू खबर सुनवा परे से दुख व्यक्त करिछंती। बीजेपी कथा जदि देखिबा उत्तर प्रदेश रे जदि बीजेपी रो बीजेपी को किए शक्त कर अधिक शक्त कर उत्तर प्रदेश रो राजनीति रो जदि बीजेपी रो उत्थान होई छी गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिबा नितिन गडकरी कहिछंती। जदि देखिबा ओम बिरला कथा कहिबा कल्याण सिंह को लेकिन से मध्य शोक व्यक्त करिछंती। राजनैतिक कौशल प्रशासनिक स्तर रे अनुभव विकासमुखी दृष्टिकोण एवं राष्ट्रीय स्तर रे तांकर एक बड़ ना रही
ତାକୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭୂମିକା ବଡ଼ ବିଜେପିରେ ବଡ଼ ନାଁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ଯାହାକୁ ଆଜି ଭାରତ ହରାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଯଦି ବିଜେପିର ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମନ୍ତ୍ର କଥା କହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଜୀ କେ ନିଧନ ପର ମୈଁ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରତା ହୁଁ। ଉନକେ ନିଧନ ସେ ଆଜ ହମନେ ଏକ ଏସା ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଖୋ ଦିଆ ଜିସନେ ଅପନେ ରାଜନୀତି କୌଶଲ प्रशासनिक अनुभव और विकासशील दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर अमिट छाप छोड़ी है। वे वंचित वर्ग के उत्थान और सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित रहे। अपनी सहजता और सरलता के कारण कल्याण सिंह जी जनता के लोकप्रिय नेता थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश के विकास को नई गति दी। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर भी उनके सुदीर्घ अनुभव का लाभ दोनों राज्यों को भी मिला है। उनका निधन राजनीति के एक युग का अंत है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। संपूर्ण प्रदेश पूरा देश इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। ओम शांति। निश्चित रूप से माननीय कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में बल्कि सारे देश में पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान किया। ये पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। कल्याण सिंह जी के बहुत सारे आयाम थे और मैं बहुत छोटी उम्र से माननीय कल्याण सिंह जी के साथ जुड़ा रहा। जब लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ता था 79 में जब मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में गया था और मेरा उनसे सन 80 से ही उनके साथ जुड़ाव हो गया था। मैं संघ का स्वयंसेवक, संघ की शाखा लगाता था लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, तो कई कार्यक्रम में माननीय कल्याण सिंह जी को भी मैं संघ के कार्यक्रम में वहां लेके गया। बीच में जब कल्याण सिंह जी एक बार मुख्यमंत्री के बाद बीच का जो कार्यकाल था दूसरी बार से पहले, उसमें कुछ उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो उस समय भी मैं उनके साथ, उम्र कम थी, अनुभव कम था, लेकिन उन्होंने बहुत सम्मान दिया और बहुत देश विदेश की, उत्तर प्रदेश की राजनीति की भी चर्चा की। कल्याण सिंह जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन भारत की राजनीति में जो पिछड़े वर्गों को व्यापक आधार मिला और वो भी भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में, उसके लिए कल्याण सिंह बहुत बड़ा कारण बने। वो राम भक्त थे, राष्ट्रभक्त थे। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दिया, तो ऐसा साहसपूर्ण उत्तर शायद ही कोई दे पाए। उन्होंने कहा कि वो कार सेवक थे, कोई आतंकवादी नहीं थे जो गोली चलवाने का आदेश देता, और इसके लिए उन्होंने सजा भी भुगती और उन्होंने कुर्सी भी छोड़ दी। उनकी राम भक्ति और उनकी राष्ट्रभक्ति का कहीं कोई मेल नहीं था। और उनकी प्रशासन पर पकड़ के मामले में लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। उनकी शासन और प्रशासन पर जबरदस्त पकड़ थी। लेकिन जब 6 दिसंबर की घटना की बात आई और उनसे पूछा गया कि क्या इसके लिए आप अधिकारियों को दोषी मानते हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, मैं इसको लिए सिर्फ खुद को, अगर आप दोषी इसको दोष मानते हो तो ये मेरा है, मुझे फांसी की सजा मंजूर है। ऐसी बात कहने वाले लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते ही नहीं है। और मेरे तो व्यक्तिगत तौर पर से, मैं जब 11 साल की थी तब से मैं उनके संपर्क में थी।
हमारे बीच में उम्र का जो अंतर था वो पिता और पुत्री का था, लेकिन मैं उनको हमेशा भाई साहब कहती थी जबकि लोग उनको बाबूजी कहते थे। और जब यहाँ पर बीच में जब उनको भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था तो उस समय पर वो यहाँ आए और उनको दिग्विजय सिंह ने बुलाया जब मैं यहाँ की नेता घोषित हुई। उनने कहा मैं उमा को कभी नुकसान नहीं कर सकता और इसलिए उनका आशीर्वाद विशेष रूप से मेरे साथ रहा। अपूर्णीय क्षति हो गई है, मेरे को हो गई है, पिछड़े वर्गों को हो गई है, हिंदू समाज की हो गई है, राम भक्तों की हो गई है, उस जगह को कोई नहीं भर पाएगा। कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, दुखद खबर है, तकलीफ की खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे, उनके बहुत सारे फैसले अच्छे भी थे और बहुत सारे फैसले विवादित भी थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें याद रखेगी। मेरी उनके परिवार के साथ तमाम तर सहानुभूति है और मैं खुदा से दुआ करता हूँ उनकी आत्मा की शांति के लिए। आपण सुनुले कल्याण सिंह को लेकिन विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्व शोक व्यक्त बाने आज जो देहांत खबर को लेकिन समस्ते आपण वर्तमान लाइव भिजुआल देखिपे कल्याण सिंह का जो मर शरीर रही तार वर्तमान आप भिजुआल देखिपे। सारा राज केवल राजनैतिक क्षेत्र नुहे, पूरा जदि कह भारतर गोटे बड़ ना आज आम गहन ना केवल बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कथा नुहे, भारतीय राजनीति में एक बड़ ना थिले से। केवल राम मंदिर कथा आम देखुले कि समय पूर्व आम पुणा एक बैठ शुणुले जे किभली भाव से गुड़ चलवाई मना करुले बारंबार से कथा को ही दोहराउले। तो शोक व्यक्त रो धारा रही विभिन्न विभिन्न स्तर में मृत्यु को लेकिन शोक व्यक्त कर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री एवं साधारण जनता। एक आज भारतीय राजनीतिर एक बड़ ना को हर जे जननेता हर तबे वर्तमान अर्गस अपडेट रे समय सर मत विदाय दिंतु। नमस्कार।